नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैली सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके चैनल ऑल इंडिया टिप्स में। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने उन सभी दोस्तों के लिए बनाई है जिनकी गर्लफ्रेंड्स हैं। जी हाँ दोस्तों, और उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि वो आपके साथ ट्रू लव करती हैं या फेक लव करती हैं, जो आपको आज पता चल जाएगा। क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ कि आप उनके फ़ोन को कैसे फुली स्पाई कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं उनके फ़ोन में कि वो अपने फ़ोन में क्या चला रही हैं और वो किसको मैसेज सेंड कर रही हैं, अगर उनका अलग अदर लवर तो नहीं, और जहाँ वो किसको उन्हें कॉल आती है और उन्होंने किसी को कॉल की है। आपको पता, सब कुछ पता अपने पीसी पे चल जाएगा, आपको एक वेबसाइट के ज़रिए पता चल जाएगा कि वो अपने फ़ोन में क्या कर रही हैं। तो अगर आप किसी के बाप हैं तो आप अपने बच्चों पे भी स्पाई रखने के लिए पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे अपने फ़ोन में क्या चला रहे हैं। तो ये काफ़ी सिंपल ट्रिक है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से इसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना ट्रिक। तो ये बिना रूट के भी काम करेगा और आपको ये फ़ोन अगर आपका रूटेड है तभी भी बेहतर है, अगर नहीं है तो ये तभी भी ये ट्रिक वर्क करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना ट्रिक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास आपकी GF का डिवाइस एक या दो मिनट के लिए आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको उसके फ़ोन को टच तक भी नहीं करना है और आप कहीं से भी उसके फ़ोन की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो क्या करना है आपको, सिंपल, जैसे मान लीजिए जी आपकी GF का फ़ोन है, जो मेरे पास इस समय डिवाइस है, मान लीजिए जी आपकी GF का फ़ोन है, आपको क्या सेटिंग्स अप्लाई करना पड़ेंगी और आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगी। तो चलिए पहले हम सेटिंग्स अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स के जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी के बाद नीचे जाने पर आपको यहाँ पे ऑन ना ऑन सोर्स चीज़ होगा। अगर आपको यहाँ पे ऑन नहीं है, इसका ना टिक नहीं लगा हुआ है, तो आपको इसको ऑन कर लेना है। आप इसे ध्यान से ऑन कर लीजिए, अगर पहले से ऑन है तो काफ़ी बढ़िया है। तो इसके बाद बैक जाइए। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आपका फ़ोन लॉलीपॉप या लॉलीपॉप से उसका अगला वर्जन है तो उसमें एक गूगल सेटिंग्स नाम का ऑप्शन होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका लॉलीपॉप से पीछे वर्जन है तो आपको वो गूगल सेटिंग्स का आइकन और वो सेटिंग्स नहीं दिखाई देंगी। जिस प्रकार देखिए मेरा फ़ोन है वो लॉलीपॉप अपडेट रहा है, तो मेरे में ये देखिए गूगल सेटिंग्स का एक आइकन दिखाई देगा। ये देखिए, ये रहा गूगल सेटिंग्स का। अगर आपका फ़ोन लॉलीपॉप अपडेटेड है या उसके अगला वर्जन है तो आप में भी ये ज़रूर ऑप्शन होगा। तो चलिए हम इस पर गूगल सेटिंग्स पर जाते हैं और इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको सिक्योरिटी पे क्लिक करना है और आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करना है। आपको दिखाई दे रहा होगा स्कैन डिवाइस फॉर सिक्योरिटी थ्रेट, से इस समय इनेबल्ड है, आपको इसे डिसेबल कर देना है। तो चलिए, डिसेबल होने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल के ब्राउजर में जाना है और वहाँ पे टाइप करना है android.thetruthspy.com। जी हाँ दोस्तों, आप ये URL पुट करना है आपको अपने ब्राउजर में। आप ध्यान से देख लीजिए, अगर आप नहीं पहुँच पाते हैं इस लिंक के पास तो मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप आसानी से इस लिंक में जा सकते हैं और आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम एक बार आपको ऐप डाउनलोड करके दिखा देते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, आप लॉगिन करेंगे, जैसे आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको एक डाउनलोड का बटन दिखाई देगा। ये देखिए ग्रीन में दिखाई दे रहा है डाउनलोड का बटन, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है और अपने लिए एक ऐप डाउनलोड करनी है। ये काफ़ी स्मॉल ऐप है, काफ़ी इसका साइज़ छोटा है, 1.5 MB का इसका साइज़ है इस ऐप का। तो चलिए हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं, ये काफ़ी तेज़ी से इसमें डाउनलोड होगी। तो चलिए, ये इस समय डाउनलोड हो रही है। तो चलिए, ये ऐप डाउनलोड हो चुकी है, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल में। चलिए मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल सिस्टम सर्विस नाम की ऐप है। तो चलिए, इंस्टॉल होने के बाद हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स अप्लाई करना पड़ेंगी, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अपने एक रजिस्टर करना है एक न्यू अकाउंट। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एक न्यू अकाउंट को। अगर आप पहले के इसमें मेंबर है तो आपको सिर्फ लॉगिन ही करना पड़ेगा। तो इसमें तो मैं नया हूँ, तो मैं नया कस्टमर हूँ, तो हमें नए पे ही जाना है, तो हमें करना है रजिस्टर न्यू अकाउंट पे। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको रजिस्टर न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है और एग्री करना है। और इसके बाद आपको अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, आप कोई भी अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए। चलिए हम डाल लेते हैं अपनी ईमेल आईडी, और आपको एक पासवर्ड डालना है, और आपको एक फिर से पासवर्ड डालना है, नया पासवर्ड जो आप चाहते हैं, ठीक है। चलिए हम जीमेल आईडी डाल लेते हैं, आप कोई भी अपनी जीमेल आईडी डाल लीजिएगा। तो चलिए हम डाल लेते हैं। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड भरना है और इसके बाद आपको फिर से रीटाइप करना है पासवर्ड को और अपने जो उसको लॉगिन कर देना है। तो चलिए हम भर लेते हैं, तो मैं इसको साइड में करता हूँ, थोड़ा प्राइवेसी है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने जीमेल आईडी डाली है और जो आपका पासवर्ड है वो आपको याद रखना है, क्योंकि इसके बाद आपको ये एक वेबसाइट में पुट करना पड़ेगा और आपको
उसके डिवाइस की पूरी इन्फॉर्मेशन, जैसे आपकी जीएफ के डिवाइस की पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट के जरिए आपको एक पता चल जाएगी। तो चलिए, मैंने अपनी ईमेल आईडी डाली और पासवर्ड भी एक तैयार कर लिया है नया सा, आपकी कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड तैयार कर लीजिए। तो चलिए हम क्रिएट कर लेते हैं अकाउंट को। अब ये पूछ रहा है कि आपका डिवाइस है वो रूटेड है या नहीं। अगर आपका फ़ोन रूटेड है तभी भी ठीक है, अगर नहीं है तो अभी भी ये ऐप पूरे अपने एंड्रॉयड मोबाइल में आपके वर्क करेगी। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए मेरा फ़ोन तो रूटेड भी है प्लस तभी भी बेहतर है। अगर आपका नहीं है रूटेड तो तभी भी ये वर्क करेगी आपके मोबाइल में ऐप। तो इसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। आपको एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिलेगा, दिखता है यहाँ पे हाइड आइकन द टूथ स्पाई। जी हाँ दोस्तों, आपने ज़रूर से हाइड कर लीजिए, क्योंकि इससे पता नहीं चलेगा आपको किसी को कि ये ऐप उसके मोबाइल में इंस्टॉल है, क्योंकि वो अगर उसको आइकन दिखाई दिया तो वो ये ऐप अनइंस्टॉल भी कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें, हाइड आइकन द टूथ स्पाई, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये कोड देगा। जी हाँ दोस्तों, #2013*, ये आपको याद रखना है। ये आप अपने मोबाइल नंबर पे जब कॉल अब टाइप करेंगे अपने कीपैड में तो आपकी जो ऐप है वो खुल आएगी। तो चलिए हमें इसको याद रखना है, #2013*। तो हम यस पे क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद आप इस ऐप को ऐसे खोल सकते हैं। अब इसका आइकन है वो नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए ये जिस इस ऐप का जो आइकन है, इस ऐप का आइकन है वो दिखाई नहीं दे रहा है इस समय। तो आप किस तरह इस ऐप को दोबारा से खोल सकते हैं, आपको मोबाइल फ़ोन पे जाना है, जो आपका कोड था वो आपको यहाँ पे पुट करना है जो आपको इस ऐप में मिला था, #2013*। जैसे हम इसे करेंगे तो ये आपकी ऐप खुल आएगी। तो इसी तरह आप इसे खोल सकते हैं। तो इसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपने पीसी में जाना है, कोई भी अपने एंड्रॉयड मोबाइल में भी जा सकते हैं आप, क्योंकि आप बताओ आपको उस फ़ोन की इन्फॉर्मेशन पता करनी है। तो चलिए अब हमें जो अपने सेटिंग्स थी, जो अपनी अपने सेटिंग्स अप्लाई करनी थी अपने जीएफ के फ़ोन में, जहाँ पर किसी के बाप है, जहाँ अपने बेटे के फ़ोन पे, तो वो इस समय आपकी जो सेटिंग्स है वो अप्लाई हो चुके हैं। तो इसके बाद आपको सिर्फ इस फ़ोन को टच तक भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ोन को आपको टच तक भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अब अपने पीसी में चले जाइए, कहीं भी जाइए चले जाइए। आपको एक वेबसाइट बुट करनी है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सेम वही वेबसाइट है android.thetruthspy.com। तो चलिए दोस्तों, सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद मैं अपने पीसी में हूँ और आप किस तरह से अपने जीएफ के एंड्रॉयड मोबाइल की पूरी इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल में हैं तभी भी ये सेम प्रोसेस है। अगर आप मैं इस समय पीसी का यूज़ कर रहा हूँ तो आपको सिंपल अपने ब्राउजर में जाना है और आपको ये लिंक टाइप करना है, URL पुट करना है android.thetruthspy.com। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप आसानी से जा सकते हैं उसमें। तो चलिए, इसके बाद आपको जैसे आप इसको खोलोगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा द ट्रुथ स्पाई। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आपको ऑल फीचर पे क्लिक करना है। ऑल फीचर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये द ट्रुथ स्पाई का जो होम पेज है वो खुलाएगा, कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा होम पेज। आपको ऊपर ये साइन इन का बटन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपल साइन इन के बटन पे क्लिक करना है। साइन इन के बटन के बाद क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका यूजर नेम भरना है, आपको वही यूजर नेम भरना है जो आपने उसी के एंड्रॉयड मोबाइल में पुट किया था, जिसमें आपने आईडी बनाई थी, जिसको मैंने आपको याद रखने के लिए बताया। और वही पासवर्ड भरना है सेम जो आपने सॉफ्टवेयर में भरा था, आप ध्यान रखिए। और इसके बाद आपको लॉग इन पे क्लिक करना है। जैसे हम लॉग इन करते हैं तो उसके एंड्रॉयड मोबाइल की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई है। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 3 कैटेगरी दिखाई दे रही हैं। स्टैंडर्ड में आपको फ्री मिलेंगे, 4 ऑप्शन आपको फ्री में मिलेंगे। जीपीएस हिस्ट्री को पता कर सकते हैं, एसएमएस देख सकते हैं, कॉल हिस्ट्री को पता कर सकते हैं और आंसर। अगर आप उनके प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पैसे देना पड़ते हैं। तो आप उसमें काफी ज्यादा फीचर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे यूआरएल हिस्ट्री को, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, फोटोज देख सकते हैं, आप उसके व्हाट्सएप हिस्ट्री को भी देख सकते हैं। अगर आप गोल्ड में जाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए और ज्यादा पैसे देना पड़ते हैं, तो उसमें काफी ज्यादा आपको फीचर्स मिलेंगे। तो फिलहाल हमारे पास तो हम मुफ्त में यूज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं योर लाइसेंस इज एक्सपायरिंग सून। तो इस समय हम मुफ्त में यूज कर रहे हैं तो आपको 4 ही इसमें फीचर मिलेंगे, जिसकी वजह से आप जीपीएस हिस्ट्री पता कर सकते हैं, एसएमएस देख सकते हैं, कॉल हिस्ट्री, आंसर। तो आप टॉप पेज आप देखिए, उसके डिवाइस का जो मॉडल नंबर है वो भी आप में शो हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो आपको जैसे मैं आपको एक फीचर का यूज करके दिखाता हूँ, जैसे कॉल हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो आपको उसकी कॉल हिस्ट्री का पता चल जाएगा। जैसे हम उसकी कॉल हिस्ट्री पे क्लिक किया तो उसको पता चल जाएगा किस आदमी का उसे फोन आया है और उसने किस आदमी को फोन किया है। तो आप देख सकते हैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो इसी तरह आप इन 4 फीचर्स का मजा ले सकते हैं और पता कर सकते हैं।
तो ये चार फीचर आपको मुफ्त में मिलेंगे, अगर आप उनमें पैसे देंगे तो आपको काफी ज्यादा फीचर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।